हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए मक्का के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये दरअसल गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको कभी कोल्ड कफ वगैरह हो जाता है तो उसमें ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्के का हलवा बनाने के लिए यहाँ हमने एक कटोरी मक्के का आटा, थोड़ा सा बुरादा और एक कटोरी में चीनी, 10 से 15 कटे हुए बादाम, एक कटोरी में घी और थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होती है तो उसमें हम घी डाल देंगे। घी हमारा जैसे ही पिघल जाएगा तो हम मक्के का आटा डाल देंगे। यहाँ मैंने मक्के के आटे की एक कटोरी ले रखी है, जो कि 120 ग्राम है। मक्के के आटे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। हम इसे कम आंच पे ही भूनेंगे। हम मक्के के आटे को तब तक भूनेंगे जब तक इससे घी ऊपर ना आने लग जाए। इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी का डाल देंगे और इसे कम आंच पे लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गांठ न पड़ जाए। इसी दौरान हम इसमें चीनी, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट डाल देंगे। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक हलवे के किनारों से तेल न छूटने लगे। जैसे ही तेल छूटने लगे तो हमारा हलवा तैयार है। लीजिए, तो हमारा मक्के का हलवा तैयार है। तो इसे आप ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और मज़े से खाएं। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।